दिवाली का त्यौहार आते ही केजरीवाल एक नए बयान के साथ सुर्खियों में आ जाते हैं। उनके बयान के बाद हर साल इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि पटाखे जलाने चाहिए या नहीं। मालूम हो कि सरकार दिवाली पर पटाखे जलाए जाने पर बैन लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर सख्त आदेश दे चुका है। हाल ही में हिंदू संगठन ने हिंदुओं के त्यौहार पर ही नैतिक जिम्मेदारी थोपने का आरोप लगाया था। इस बीच केजरीवाल एक नए बयान के साथ मीडिया में छाए हुए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का बयान बुधवार को सामने आया। मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम से पूछा गया कि पटाखों पर बैन हिंदू विरोधी है या नहीं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि यह प्रतिबंध धर्म का मामला नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक प्रयास है। केजरीवाल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह चुके हैं कि प्रदूषण को देखते हुए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हमें दिए जलाने चाहिए। यह पटाखों का नहीं बल्कि रोशनी का त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रदूषण होगा उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है, सबकी जान जरूरी है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की 300 और राजस्व विभाग की 77 टीम ने दिल्ली में 19,000 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। इसके अलावा पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के संबंध में 79 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में केजरीवाल ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।